सिटी इंडिया। और बात एक और बड़ी खबर की, चंडीगढ़ में आज किसान संगठनों और केंद्र सरकार के मंत्रियों की चौथे दौर की बैठक होनी है। चंडीगढ़ में शाम 6 बजे का वो वक्त होगा जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। इससे पहले अब तक 3 दौर की बैठक हो चुकी है। दोनों पक्षों के बीच अभी तक सकारात्मक माहौल में ही चर्चा हुई है। इस बैठक में 17 किसान संगठन शामिल हो सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी 3 वरिष्ठ मंत्री बैठक में मौजूद रह सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। ये बड़ी खबर है, 3 दौर की बैठक हो चुकी है। ये चौथे दौर की बैठक आज शाम 6 बजे होनी है। तो सरकार और किसानों के बीच अभी तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि बैठक सकारात्मक माहौल में चल रही है। कई मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन चुकी है। दोनों पक्षों के बीच चौथे दौर की बैठक आज शाम 6 बजे चंडीगढ़ में होगी। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए 3 मीटिंग हो चुकी है, सकारात्मक माहौल में ये चर्चा हुई है और संकेत यही है कि बैठक में बातचीत के जरिए समाधान निकल जाएगा। आज चौथे दौर की बैठक होने वाली है, शाम 6 बजे चंडीगढ़ में यह बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी मानव यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि शंभू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। मानव, शंभू बॉर्डर से क्या तस्वीरें मिल रही है? किसान लगातार वहां पर डटे हुए हैं, हालांकि इस बीच आज शाम को चौथे दौर की बातचीत भी होनी है। बिल्कुल, देखिए आज शाम को बैठक होगी। पिछली बैठक में 17 किसान नेता, 3 केंद्रीय मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ उनके कैबिनेट के मंत्री हरपाल सिंह चीमा उसमें मौजूद रहे थे। एमएसपी गारंटी कानून के लेकर किसान लगातार डटे हुए हैं। फिलहाल मैं शंभू बॉर्डर पर हूँ। आज यहाँ पर काफ़ी कोहरा है और कुछ एक तरीके से जीरो विजिबिलिटी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन बैठक की बात करें तो शायद लगता है कि आज थोड़ी धुंध साफ हो जाएगी, क्योंकि सरकार शायद एमएसपी गारंटी कानून पर एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव किसान नेताओं के सामने रख सकती है। हालांकि किसान नेता ये कह रहे हैं कि हमको कोई कमेटी नहीं चाहिए, सरकार कानून बनाए, और सरकार कानून कैसे बनाएगी ये सरकार जाने, ये उनके अधिकार का हिस्सा है। हालांकि किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि जैसा कि अभी संसद नहीं चल रही है तो अभी कोई भी कानून बना पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में सरकार एक स्पेशल सेशन बुलाए पार्लियामेंट का और उसमें अध्यादेश अभी पास कर ले और फिर नई सरकार बनती है तो फिर उसी अध्यादेश को एक तरीके से कानून का रूप दे दे। तो इस तरीके की मांग किसान नेता लगातार कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली चलो की जो मांग थी किसान आंदोलन की, किसान नेताओं की, तमाम किसान संगठनों की, वो मांग अभी बरकरार है। उनका ये कहना है कि फिलहाल हमने एक ब्रेक लिया है, ब्रेक शंभू बॉर्डर पर जरूर है, लेकिन हमने आगे दिल्ली बॉर्डर जाना है, हमने उसको अभी एक तरीके से उस कॉल को कैंसिल नहीं किया है। ये तमाम किसान नेताओं से जब हमारी बातचीत होती है तो उनका ये कहना है। मानव, एक बहुत लंबी फहरिस्त है उनके पास अपनी मांगों की जो वो मनवाना चाहते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि एमएसपी पर कमेटी गठित कर भी दी जाए तो भी उनकी तो कई सारी मांगे हैं। अब वो आज की बैठक में तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो तुरंत ही मान ली जाएंगी, तो फिर आपको यहाँ से क्या भविष्य दिखाई देता है? देखिए, अब पिछली जो 3 बैठकें हुई हैं उनमें कई सारी मांगों पर सरकार राजी दिखाई दी है, चाहे वो लखीमपुर खीरी के आरोपियों के खिलाफ एक्शन की बात हो, या फिर जो लोग जिनकी जान वहां गई थी उनको मुआवजे की बात हो, या कर्ज माफी को लेकर सरकार ने कहा है कि हम राज्यों से बात करेंगे, राज्य सरकारों से बात करेंगे, पहले आकलन करेंगे कि कितना कर्ज है, उसके बाद कुछ करेंगे। सबसे मेन जो पेच फंसा हुआ है वो एमएसपी गारंटी कानून को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि सरकार ने पिछली बैठक में किसान नेताओं को ये समझाने की कोशिश भी की थी कि कितना भार देश के खजाने पर आएगा, कितना लोड हो जाएगा, कितना खर्चा हो जाएगा ज़्यादा, तो ये बताने की कोशिश की गई। तो किसान नेताओं का कहना है कि इतनी बड़ी GDP है 3 trillion से ज़्यादा की, अगर 2,00,000 करोड़ रुपये भी किसानों को MSP के तहत खर्च भी हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो दोनों तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं। मेन जो बात है वो MSP गारंटी कानून पर बिगड़ती हुई दिखाई देती है, बाकी तमाम मुद्दों पर सरकार किसानों की बात सुन भी रही है। MSP गारंटी कानून पर भी सरकार ने मना नहीं किया है। सरकार ने पिछली बैठक में भी अर्जुन मुंडा की तरफ से, बाकी मंत्रियों की तरफ से ये कहा गया कि हमें और समय चाहिए, हम इनकार नहीं कर रहे, हमें और समय चाहिए, इतना आसान नहीं है, तुरंत ये फैसला नहीं लिया जा सकता। तो MSP गारंटी कानून पर जो गतिरोध बना हुआ है उसके सुलझने की शायद आज कवायद सरकार की तरफ से हो सके। ऐसी मंशा के साथ किसान नेता बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने आज होने वाली बैठक में समाधान निकलने का भरोसा जताया। और हम चाहते ताकतवर प्रधानमंत्री किसान मजदूर के लिए सच साबित हो, वो बड़े निर्णय ले लें, उनके लिए बड़ी बात नहीं है। हमने कल भी सुबह भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि MSP गारंटी कानून इतनी बड़ी बात नहीं है, स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है, मंत्रिमंडल से
ऑर्डिनेंस भी किया जा सकता है और ये गतिरोध को तोड़ा जा सकता है जो अभी बनता नजर आ रहा है।